घर के अंदर ही क्रिकेट शुरू कर दी उन्होंने, बॉलें उठा उठा के मार रहे हैं, उनको बच्चा तो बच्चा है, मना कैसे कर सकते हैं, मना करते हैं उसको, लेकिन उन्होंने बड़ा घर में हकीकत है बहुत शोर शराबा किया हुआ, तो घर से बाहर निकलते हैं, उनको पकड़ना है, घर से बाहर निकलते हैं खेलने के लिए, और अब उनके ऊपर उनको एहतियात ही करना है कि घर से बाहर ना निकले। डिस्कशन तो बहुत हो रही है कि यार वो बहुत पढ़ाई होने वाली है, अब तो हमारे वो प्रेशर बहुत डलने वाला है, ये होगा वो होगा, लेकिन मज़ा भी बहुत आएगा, शुक्र ऑनलाइन क्लासेस चली रहेंगी, ऐसी डिस्कशन हो रही है। 15 सितंबर के बारे में भी बात हो रही थी बहुत दफ़ा कि 15 सितंबर को स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। क्यों अच्छा क्यों लग रहा है? अच्छी बात है भाई, घर में बैठ के बोर हो गए। क्या ऑनलाइन क्लासेस में मजा आया या बोरियत थी? बोरियत, समझ ही नहीं आता कुछ। आपने अगर देखा हो अभी बीच में बहुत सारे मीम्स बने थे, टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे थे ऑनलाइन में, मगर बच्चे इतनी सही तरह पढ़ नहीं पा रहे थे, मजाक बनते थे, कभी टीचर्स के साथ प्रैंक कर रहे हैं, लाइक तो इतनी आइडियल नहीं थी ये चीज़ें, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता, इतना शोर, टीचर भी कुछ बोलते नहीं है, बस होमवर्क दे के चली जाती है। स्कूल से मैं कॉलेज में आई तो बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन कोरोना की वजह से बहुत डिस्टर्ब हुआ है, ऑनलाइन क्लास में थोड़ी इन्जॉयमेंट थी लेकिन थोड़ा सा मीन्स मूड ऑफ हो गया है, क्योंकि डायरेक्ट स्कूल से कॉलेज में गए और हम लोग ऑनलाइन क्लास ली तो इट्स थोड़ा वर्स था, लेकिन अब कॉलेज में जाएंगे तो चेक देखेंगे, टाइमिंग चेंज हुई है स्कूल की और शिफ्टमेंट चेंज हुई है, तो देखेंगे अब कैसी अरेंजमेंट है और शिफ्टमेंट है। अभी मेरा कॉलेज बिल्कुल ख़त्म हुआ है, तो मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, ससैद यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, तो मैं खुश भी हूँ एक तरीके से, क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने वाला, एडमिशन हो गया, मैं ज्वाइन करूँगा यूनिवर्सिटी और एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट होने वाली है। राइट नाउ अब मैं किसी हद तक सेटिस्फाई हूँ। हाँ, अगर यही बात, अगर जैसे मैं इस बात को कहूँगा कि ये डिसीजन अच्छा था कि उस स्कूल को जो है ना पाँच छः महीने के लिए, जब तक सिचुएशन हमारी क्रिटिकल थी, उसको बंद किया गया, इट्स अ गुड साइन। बट अब क्या कहते हैं, जब है ना ओवरऑल वर्ल्ड में भी और स्पेशली पाकिस्तान के इन्वायरमेंट और क्लाइमेट के हिसाब से अब ये चीज़ कम हो गई है ना, और बहुत जगह पर तो ख़त्म ही हो गई है पाकिस्तान के अंदर, तो अगर हम इसको क्या कहते हैं प्रिकॉशंस के साथ और सेफ्टी मेजर के साथ लेके चलते हैं तो इट्स गुड कि स्कूल खुलने चाहिए। खुशी है कि अभी स्कूल 6 महीने के बाद तकरीबन बच्चे रास्ते तक भूल गए थे, अभी खुल गया तो अच्छा लग रहा है बहुत, और बच्चे न्यू एडमिशन है तो न्यू स्कूल न्यू टीचर सबके साथ बहुत मजा आ रहा है। ये टाइम तो बहुत वो थोड़ा मुश्किल भी हो रहा था बच्चों के लिहाज से, क्योंकि वो बाहर खेलने भी नहीं जा सकते थे, आप बिल्कुल घर में बंद होकर रह गए, तो और हमारे लिए काफ़ी मुश्किल था उनको डील करना उनको इस तरह का, लेकिन माशाल्लाह से मैं ये लॉकडाउन के से खुश भी हूँ क्योंकि मेरे तीनों बच्चों को माशाल्लाह से कुरान करीम ख़त्म कराया इसी टाइम, वरना मैं टाइम नहीं दे पा रही थी अभी इस टाइम से, ये एक कसम के हमारे लिए अच्छा भी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत अच्छा मौका। अभी है कि एहतियात करना पड़ेगा बच्चों को, लेकिन ये अच्छी बात है कि इसको ये खुल गए, क्योंकि 5 महीने से जो है ना ये घर पर बैठे बैठे इनकी तालीम ख़राब हो गई है, अभी अच्छी बात है कि इसको ये खुल गए। भाई इतने सिनेरियों के बाद जो स्कूल खुल रहे हैं तो लाजमी सी बात है ये है कि बच्चों का नुकसान बहुत हो गया, तो अब ये स्कूल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे जो है कोर्स का पूरा करें, ऑनलाइन उन्होंने शुरू तो किया है लेकिन उसमें कोई बात नहीं है, तो इनका एक्सपर्टीज़ इनके पास बिल्कुल भी नहीं है ऑनलाइन पढ़ाने की, ना बच्चों के पास अभी इतनी चलाइयत है कि वो ऑनलाइन मैनेज कर सकें। बहरहाल ये है कि अब देखते हैं क्या होता है, बाकी ये है कि अब SOPs के तहत तो स्कूल खुलने से रहा, अब ये चंद दिन चलाएँगे SOPs, उसके बाद लाजमत SOPs ख़त्म करेंगे, क्योंकि बच्चों को मैनेज कर ही नहीं सकते SOPs के साथ। बच्चों की तो एहतियात माँ बाप करते हैं खुद, बच्चा तो बच्चा ही है ना, बच्चा एहतियात नहीं करता, उसको आप मास्क पहनाने उछाड़ के फेंक देगा, फिर उसको पकड़ के पहनाना पड़ता है, बहुत असर पड़ा है। मैं इससे पहले गुलशन में था, ये हैदरी वाली मार्केट में था, तो 7 महीने का उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए हमें लॉकडाउन में, 7 महीने में ऐसे ही गुजारा किया, अब इसके बाद 7 महीने के बाद अब इधर आया हूँ मैं स्टूडेंट में करीमाबाद में, ये भी हमारे दूर के रिश्तेदार हैं जानने वाले, उनके पास सुनने में तो यार था 3 महीने का है, 2 या 3 महीने का, लेकिन 3 से 7 महीने निकल गए, और जिनके पास था काम कर रहे थे उन्होंने वो अपने हाथ उठा लिए, बोले हमारे भी इतने सारे क्राइसिस पड़े हुए हैं, हम खुद उसमें क्राइसिस में आ रहे थे, हम आप लोगों को कैसे दें।